get distracted by fake news and political wrangling in the country. We are trying our best to break the political logjam which has denied the countries of South Asia. We should collectively fight hunger, poverty. तुम खुद जमीन फरोशी की है और आज दिन रात रियासतें मदीना में इन्होंने एक और गेम शुरू किया, फेक वीडियोस बनाई हैं, फेक ऑडियोस बनाई हैं। आप खुद कह रहे हैं कि मैंने वोट खरीदे हैं, ये कौन को बता दें जरा ये पैसे कहाँ से लिए? एक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब वो अदालत लगाया करते थे, इतना बदनाम किया मुझे, आज वो 56 कंपनियां कहाँ गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूँ आपका मेजबान शौकत पराचा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बहुत वाज़े पैगाम दे दिया। उन्होंने कह दिया कि कोई मुल्क किसी फोर्स या किसी कुव्वत को, किसी ग्रुप को पाकिस्तान में मुआशी व सियासी अदम इस्तेकाम की इजाजत नहीं दी जाएगी। डॉक्टर शीरी मदारी का ट्वीट देखकर यकीनन ये लगा कि इस बयान की हर एक अपने अपने पर्सपेक्टिव में तशरीह कर रहा है, क्योंकि मुल्क में सियासी तनाव है और इसी सियासी तनाव के तनाजुर में हमने आज एक और वाकया भी देखा कि पंजाब एंटी करप्शन की टीम वफाकी वजीर दाखला राणा सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने इस्लामाबाद पहुंच गई। गिरफ्तारी तो ना हुई लेकिन अलबत्ता चीजें रिकॉर्ड पर आ गईं। दूसरी तरफ वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ लाहौर की एक अदालत में पेश हुए और सवाल कर डाला कि इमरान खान ये बताएं बंदे खरीदने के लिए आपके पास पैसे कहां से आए थे। हम इन मामलात पर बात करेंगे और नामवर तजियाकार एंकर पर्सन राइटर जनाब डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने वक्त दिया। मैं प्रिसाइजली डॉक्टर साहब अपने नाजरीन को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की वो बात सुनवाना चाह रहा हूँ, सुनाएं जी जरा। द मैसेज इज क्लियर, द आर्म फोर्सेज विद द सपोर्ट ऑफ आवर सिटीजन विल नेवर अलाउ एनी कंट्री ग्रुप और फोर्स टू पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। डॉक्टर साहब आपने दिन में भी बार बार ये बात सुनी होगी और मैंने इसलिए चलाई कि नाजरीन जो इस वक्त टेलीविजन पर देख रहे हैं वो सुन लें, क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट के बारे में, कौन है इसका मुखातिब? बस मैं तो थोड़ा सा हैरान इसलिए होता हूँ कि इस किस्म की स्टेटमेंट हर 2-3 साल के बाद मुख्तलिफ आर्मी चीफ जो है वो दोहराते चले आए हैं। जब से मैंने मीडिया ज्वाइन किया 2005 से तो जनरल मुशर्रफ साहब भी ऐसी बातें कहते रहे, फिर उसके बाद कैनी साहब भी ऐसी बातें कहते थे, फिर रही शरीफ साहब भी ऐसी बातें कहते थे, प्रेजिडेंट चीफ भी कह रहे हैं और बचपन से हम सुनते चले आए हैं कि अयूब खान भी कहते थे, फिर याहिया खान भी कहते थे, उसके बाद जनरल ज़िया भी कहते थे, लेकिन पाकिस्तान तो मसलसल डीस्टेबलाइज ही होता चला गया। ये ज्यादा स्ट्रांग मुल्क था 50s में, दुनिया में रिस्पेक्टेड था, इसके ईस्ट एंड वेस्ट विंग थे, एक विंग इसका सेंट्रल एशिया मिडिल ईस्ट के साथ था जो पाकिस्तान है, दूसरा विंग इसका साउथ ईस्ट एशिया में था, तो ये बहुत बड़ी नेशन थी। तो रूल भी इस पे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने ही किया है 1958 से, इन्फ्लुएंस उनका 1954 से था, लेकिन कंट्री मुसलसल डिस्टेबलाइज होता चला गया। इसमें जो भी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज और प्राइम मिनिस्टर द्वारा आए हैं वो तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए आए हैं और उन्होंने बड़ी प्राइस भी पे की है पॉलिटिकल पावर की। डॉक्टर साहब कौम को रीअश्योरेंस देना, कौम को यकीन दहानी करना बड़ा जरूरी होता है और ये दुरुस्त है कि ये बयानात मादी में भी ऐसे आते रहे क्योंकि कौम को यकीन दहानी करवानी थी। फिर आज इस ऐसे या इस बयान की मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन क्यों की जा रही है? देखिए आपने एक ही बयान उनका सुनाया, मैंने उनकी बाकी सारी स्पीच भी देखी है और उसके बारे में जो रिटर्न रिप्रोडक्शन हुई है वो देखी है। वो बेसिकली तौर पर जो मैसेज दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें दुनिया बदल चुकी है और खत्ते के और दुनिया के हालात बदल चुके हैं, उसको बहुत तब्दीली आ गई है, तो इससे हम अपनी पुरानी जो रीजनल पॉलिसीज हैं, इशारा उनका बोला तो उन्होंने नहीं लेकिन मतलब उनका कहना था कि हिंदुस्तान की तरफ हमारी जो पॉलिसीज हैं उस पर हमें नजरसानी करने की, उस पर लचक और फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। जो मेन थ्रस्ट है, चूंकि पाकिस्तान में इस वक्त एक पोलिटिकल टेंशन और तनाव है, तो उनकी जो एक दो डेट गवर्नमेंट्स हैं जिनका लोगों ने इंटरनल इंटरप्रिटेशन ज्यादा कर ली है, बुनियादी तौर पर वो कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान के साथ बना के रखने की जरूरत है और हमें हिंदुस्तान से बेहतर ताल्लुकात चाहिए। ये वही कॉन्टेक्स्ट है जिसके बारे में वो कहते हैं कि हमारी अमन की जो ख्वाहिश है उसको कमजोरी से ताबीज ना किया जाए। तो वो चूंकि अभी वाशिंगटन से आए हैं और वहां पर भी अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने उनसे यही इम्प्रेस अपॉन किया होगा कि हम ये चाहते हैं कि आपके हिंदुस्तान से बेहतर ताल्लुकात होने चाहिए और अमेरिकन की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के करीब हो और चीन से दूर हो।
तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में भी इसको देखा जा सकता है। बाकी आई डोंट नो पॉलिटिशियंस इसको कैसे देख रहे हैं। नहीं, मैंने तो डॉक्टर श्री मदारी का ट्वीट भी दिखाया, वो डॉक्टर श्री मदारी तो अपनी फेवर में इस बात को समझ रही है ना। देखिए वो दोनों तरफ है, अगर आप उसको जाहिर जो लोग इमरान प्रो इमरान खान है वो कहेंगे हमारे फेवर में है, जो एंटी इमरान खान है वो ये कहेंगे कि जब उन्होंने कहा कि किसी को मुल्क की इकोनॉमी के साथ खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी किसी को किसी जत्थे किसी मुल्क और ताकत को, तो वो फिर ये कह रहे हैं कि पीटीआई और इमरान खान और तहरीक इंसाफ शायद मईशत को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए पार्थ साहब, आप भी इस मुल्क की सियासत से वाकिफ हैं, शायद मुझसे बेहतर ही ज्यादा वाकिफ होंगे। पाकिस्तान में ये शेक्सपियर का जो प्ले था 1599 का मच अडू अबाउट नथिंग, पाकिस्तान में पॉलिटिकल रेटरिक एंड स्टेटमेंट्स फ्रॉम वेरी चीपली, किसी की भी स्टेटमेंट आज तक जो है उस पर कोई अमल दरामद नहीं कर सका। यहाँ पर लोग कहते हैं बड़ा रिजॉल्व है, फैसला हो गया है, जीरो टॉलरेंस है, यहाँ दहशतगर्दी भी है, सेक्टेरियन वायलेंस भी हो रही है, शिया सुन्नी भी मार रहे हैं, कराची बड़ा डिस्टर्ब है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद डिस्टर्ब हो जाता है, बड़े साल डिस्टर्ब है। तो यहाँ स्टेटमेंट्स आर वेरी इजी, प्रैक्टिकल जो आपकी कैपेसिटीज हैं उस पर देखें तो किसी के पास कोई कैपेसिटी ही नहीं है पाकिस्तान के फ्यूचर में। लेकिन टेररिज्म के खिलाफ तो पाकिस्तान ने जंग लड़ी, बाकायदा कुर्बानियां दी, टेररिस्टों को मारा, उनको भगाया, उन पर फतह हासिल की। जी मतलब फिर वो टेररिज्म पैदा कैसे हुई जब हमने ऐसे गलत पॉलिटिकल डिसीजन लिए विज़ार्ड अफगानिस्तान, दो दफा हमने अफगानिस्तान में अमेरिका की जंग लड़ी, पहले 1979 में हमने अपने आप को ये कन्विंस किया नेक्स्ट डोमिनो थ्योरी में कि सोवियत यूनियन दर हकीकत अरेबियन सी के वार्म वाटर्स को तकसीब पहुंचने के लिए आया है। सब्सिक्वेंटली 90s में बात वाजे हो गई कि उस वक्त अमेरिकन प्रोपेगेंडा था, जो सोवियत यूनियन का फॉल हुआ और अमेरिकन स्कॉलर द्वारा पर वहां गए, उन्होंने उनके इंटरनल डॉक्यूमेंट देखे तो उनको पता चला कि ये सिर्फ CIA का फैलावा प्रोपेगेंडा था और सोवियत यूनियन का कोई प्लान पाकिस्तान के हवाले से नहीं था। लेकिन हमने एक जंग लड़ी जिसने पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर को, पाकिस्तान के समाज को डिस्ट्रॉय कर दिया, यहाँ कैशन को कल्चर रिड्यूस किया, मुल्ला हजरात बड़े ताकतवर हो गए, शिया सुन्नी फसाद पैदा हो गया, मुख्तलिफ किस्म के ईरान को अंदर खेलने का मौका मिला। उसके बाद भी 9/11 के बाद भी जनरल मुशर्रफ ने बहुत ही गैर दानिशमंदाना तरीके से अपनी जो एंगेजमेंट थी, क्योंकि उनको भी लेजिटिमेसी प्रॉब्लम था, हर मिलिट्री रूलर को लेजिटिमेसी प्रॉब्लम रहा है पाकिस्तान में, तो जनरल मुशर्रफ को भी बड़ा फायदा हो गया अमेरिका की 9/11 से। उन्होंने अपने जाती इकतदार को इसका मुस्तहकम करने के लिए उन्होंने उसको पाकिस्तान की जंग बना दिया। और आपको पता है कि PMLN की भी उस पर बड़ी स्ट्रांग पोजीशन थी, पीपल्स की थी रही है उस पर पोजीशन, ANP की भी थी, इमरान खान की भी है कि वो हमारी जंग नहीं थी। अब विश्वकर की सियासत में कोई उसको ना कहे ठीक तरह से, लेकिन हमें इस हद तक आगे नहीं जाना चाहिए था। और उस जंग की वजह से ही हमारा फाशा डिस्टेबलाइज हुआ, हमारे अपने लोग जो है वो लोगों के खिलाफ हो गए, तो हम खुद ही तो अपनी गलत पॉलिटिकल पॉलिसीज की वजह से। जब आर्मी चीफ ये कहते हैं कि वी आर ट्राइंग टू ब्रेक दी लॉक जैम बिटवीन दी कंट्रीज ऑफ दी साउथ एशिया, इसमें फिर सिर्फ इंडिया तो नहीं है, मसलन बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, भूटान भी साउथ एशिया का हिस्सा है, श्रीलंका भी साउथ एशिया का हिस्सा है, तो ये तो एक अच्छी विजन है, अच्छी सोच है। सही कह रहे हैं भाई साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि वो सिंसियरिटी से आर्मी चीफ जो है वो कई दफा मीडिया के ग्रुप्स के साथ भी ऐसी बात कर चुके हैं, मीडिया के साथ बात करते हुए, तो वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान को एंगेज किया जाए और जो एक रवायती और हिस्टोरिकल टेंशन रही है इंडिया पाकिस्तान में, बाकी तो सारा एरिया वैसे भी इंडिया के इन्फ्लुएंस में है जो हम बांग्लादेश की तरफ इशारा करते हैं, तो वो चाहते हैं कि जो टेंशन कम हो। और पाकिस्तान के अंदर चूंकि बड़ी हिस्टोरिक एंटी इंडिया लॉबी रही है, एक एंटी इसराइल लॉबी भी है, एक एंटी इंडिया लॉबी भी है, तो वो हमने ताल्लुकात को कभी बेहतर होने नहीं दिया, और खुद इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक थिंकिंग रही है, तो वो इन तमाम चीजों को मेरा ख्याल मद्देनजर रख के वो ये कह रहे हैं कि हमारे बेहतर ताल्लुकात होने चाहिए और हमें आइस को ब्रेक करना चाहिए। और जो इस वक्त दुनिया की हालत है, मसलन हर मुल्क में महंगाई है, फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, आर्मी चीफ जब खड़े होके ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि वी शुड कलेक्टिवली फाइट अगेंस्ट हंगर एंड डिजीज, यानी हमें हम सबको मिलकर भूख बीमारी और दीगर मसाइल के साथ लड़ना चाहिए, ये एक विजन के तौर पे, एक रास्ते के तौर पे, तो हमारी दीगर लीडरशिप भी इस पर अमल करने के लिए देख सकती है ना इस चीज को। जी बिल्कुल, लेकिन आर्मी चीफ ने जो कुछ कहा उससे ये तो नहीं पता चलता कि बाकी सारी लीडरशिप जो है वो इस पे इतफाक
इतफाक नहीं करती है, कंसेंसस नहीं है। असल में तो यह ना कि कैपेसिटी नहीं है, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि पोलिटिकल लीडरशिप इकट्ठी हो सके। हर पार्टी खानदानी डोमेस्टिक पार्टी है, अगर तहरीक इंसाफ डोमेस्टिक पार्टी नहीं है तो वहां भी इमरान खान तो सोचते हैं, सभी लोगों को वो सोचना पड़ता है। इमरान खान की पार्टी के लिए जरूरी है कि उनके पीएमएलएन के पीपीपी के कम अज कम अगर टॉप टीयर पे रवाबित नहीं हो सकते तो सेकंड टीयर पे रवाबित होने चाहिए। कुछ उनका बेयर मिनिमम एक कंसेंसस एजेंडा होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस फ्लड का क्या करना है, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस जो है उनको बेचना चाहिए, एजुकेशन के अहदाफ होने चाहिए, फॉरन डेट के, कुछ कहीं ना कहीं तो एग्रीमेंट होना चाहिए ना चीजों के हवाले से। इसी में हुकूमतें चेंज हुई है, पता नहीं 50 से 100 पिछले 70 बरस में, 50 बरस में, लेकिन एक बेसिक इकोनॉमिक कंसेंसस उनका रहता है। तो अनफॉर्चुनेटली नहीं है, अब आर्मी चीफ ने ख्वाहिश का इजहार किया है, लेकिन वो ख्वाहिश ही है। मसलन फ्लड के हवाले से बाकी तो सारे कहते हैं कि आए बैठे, प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी कहते हैं, बड़ी जमातों के वो सरबराह हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं, तो फिर इमरान खान साहब क्यों नहीं मानते इस बात को? अब देखिए इमरान खान अपने तौर पर 2-3 टेलीफोन कर चुके हैं, आज भी वो उसके हवाले से एड डिस्ट्रीब्यूट करने गए हुए थे, क्योंकि बदकिस्मती से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक जो चपकलश क्लैश है वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच गया कि ये जो 3 शख्सियात हैं उसमें जरदारी साहब तो खैर इतने ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान में उनके जो टॉप की लीडरशिप है उनके दरमियान में इस किस्म के फासले हैं और इतनी बदगुमानी है कि कम अज कम टॉप टीयर पर ये लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। इसलिए अगर सेकेंड टीयर के राबतों की इनको परमिशन मिल सके जिसमें इनकी सेकेंड टीयर लीडरशिप है, उनकी मुलाकातें शुरू हो जाए तो फिर शायद हो सकता है कि राबते भरने लग जाए। सदर मुमलिकत भी एफर्ट करते रहे, जाहिर है ये बातें को मैं आज नई नहीं कर रहा आपके साथ, बट आपका चूंकि पर्सपेक्टिव चाहिए, सदर मुमलिकत बड़ी कोशिशें करते रहे हैं, सदर मुमलिकत कहते भी रहे हैं कि चलें 2 महीने वो पीछे आ जाएं, 2 महीने ये आगे चले जाएं, तो ये एफर्ट्स आपको किसी डायरेक्शन में जाती नजर आती है या जो जिसको आप बदगुमानी कह रहे हैं मैं तो उसको दुश्मनी समझता हूं? बदकिस्मती से इसी हफ्ते 300 दिन पहले सदर पाकिस्तान ने एक ज्वाइंट सेशन किया पार्लियामेंट का, जिसको उनकी अपनी पार्टी ने अटेंड नहीं किया, उन्होंने उसका बायकॉट किया, बाकी पार्टीज ने उसका बायकॉट किया, और नॉन सीरियसनेस की इंतहा ये थी कि सदर पाकिस्तान अपनी स्पीच करते रहे, बाकी लोग अपनी खुशकदियों में मसरूफ रहे, वो उठ उठ के जा रहे थे, बातें कर रहे थे, कुछ सुनी नहीं आता सदर को। तो जो मॉरल अथॉरिटी सदर, हालांकि सदर की बड़े पढ़े लिखे हैं, मतलब बड़े अरसे के बाद जब से फारूक खान लगारी के जाने के बाद से और फिर आसिफ अली जरदारी तो रियल पावर से, मॉरल फारूक लगारी और आसिफ अली जरदारी ये दो ही प्रेसिडेंट्स या फिर मुशर्रफ साहब, उसके बाद ये एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो बड़े इंटेलिजेंट हैं, वेल मीनिंग है, लेकिन जाहिर है कोई मॉरल अथॉरिटी उनकी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली कोई उनको सीरियसली ले नहीं है। डॉक्टर साहब रुकिएगा, मैं नाजरीन ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, राणा सनाउल्ला की गिरफ्तारी के लिए पंजाब एंटी करप्शन की टीम यहां पहुंची, सबको मालूम है गिरफ्तारी नहीं होनी थी लेकिन रिकॉर्ड पर आ गया, ये मामला आगे कहां बढ़ेगा क्योंकि पीटीआई के सरबराह के हवाले से भी हुकूमत कोई ना कोई प्लानिंग कर रही है। ब्रेक के बाद डॉक्टर मुहित पीरजादा साहब से ये सवाल करूंगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूं मुल्की सूरतेहाल के हवाले से। डॉक्टर साहब ये बड़ा अजीब नहीं लगा कि पंजाब एंटी करप्शन की टीम राणा सनाउल्ला को, वजीर दाखला, वफाकी वजीर दाखला को इस्लामाबाद में गिरफ्तार करने आ गई? देखिए ये ऑप्टिक्स से जाहिर है, ये उन्होंने इम्प्रेशन जनरेट करने की कोशिश की है, उन्होंने एक ऑप्टिकल जिसे कहते हैं कि एक अपना रिजॉल्व दिखाने की कोशिश की है। उनको जाहिर पता था कि इस्लामाबाद में आके वो फेडरल वजीर दाखिला को गिरफ्तार नहीं कर सकते जिनकी हुकूमत है, लेकिन क्योंकि 2 दिन पहले गिरफ्तारियां की गई बड़े प्रोमिनेंट बिजनेसमैन की, आमिर जमाल साहब की जो कि बरीजे के फाउंडर ओनर हैं जिन्होंने बरीजे का ब्रांड क्रिएट किया, और तारिक शफी साहब की जो क्रेसेंट ग्रुप के वन ऑफ द लीडिंग उसके टॉप के जो एग्जीक्यूटिव हैं उसमें आते हैं, सीईओ हैं, चेयरमैन है, और वहां पर ये कहा गया कि चूंकि ये लोग इनके खिलाफ एक ऐसा यार काटी हुई थी इन्वेस्टिगेशन के लिए और ये आए नहीं हुए, कॉपरेट नहीं किया, इसलिए इनको गिरफ्तार करना जरूरी है। बहुत ही फ्लिमजी प्रिटेक्स था और यही प्रिटेक्स जो है एंटी करप्शन ने लिया है। वहां के मिनिस्टर आशिम डोगर साहब की स्टेटमेंट भी आई है कि राणा सनाउल्ला के खिलाफ थी एफआईआर या रिक्वेस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन, और चूंकि राणा सनाउल्ला उससे कॉपरेट नहीं कर रहे इसलिए इनकी गिरफ्तारी जो है वो हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने एक टिट फॉर टैट करके दिखाने की कोशिश की है, नोइंग फुली वेल कि वो गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी अथॉरिटी दिखाई है, उन्होंने एक ऑप्टिक्स किए हैं उसके।
आप एक और बंदे को भूल गए गिरफ्तारियों के हवाले से, सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले शायद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, एक और शो में बैठे हुए थे, मैं उनको सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जी ये जो दो तीन बंदे पीटीआई के गिरफ्तार किए गए हैं, इनको तो एविडेंस की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है। देखिए असल वजूहत तो पॉलिटिकल है। सैफुल्लाह नियाज़ी का मैंने इससे जिक्र नहीं किया था कि वो तो चले पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियंस को गिरफ्तार करते रहते हैं मुख्तलिफ एक्सक्यूज़ बना के, लेकिन तारिक शफी और हामिद जवान खालिस्तन कोई पॉलिटिशियन नहीं है। उनकी जो वजह शोहरत है पाकिस्तान में गुज़िश्ता 20-25-30 बरस में, वो सियासत की वजह से नहीं है। ये सही है कि वो इमरान खान के करीब हैं, उनके कॉज को, उनकी पॉलिटिक्स को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने फंड रेजिंग में भी रोल प्ले किया, लेकिन ये प्रिंसिपली कोई कार्ड कैरिंग उस तरह से जिसको कहा जाता है मेंबर नहीं है। जहां तक सैफुल्लाह नियाज़ी के ताल्लुक है, उनको किसी गिरफ्तार किया गया कि वो टाइगर फोर्स का सारा डेटा जो है उनके पास है, और जब भी हुकूमत को ये लगता है कि लॉन्ग मार्च का है, वो बेसिकली चाहते हैं कि टाइगर फोर्स के जो लोग हैं उनको इतना डराया जाए, उनकी जो तंजीम है, क्योंकि उनको लगता है कि टाइगर फोर्स की जो मेंबरशिप है, उसके जो कैडर्स हैं, उनको यूज किया जाएगा मुमकिन एक लॉन्ग मार्च के लिए। वो इमरान खान साहब चूंकि शोशा छोड़ा हुआ लॉन्ग मार्च से, ये पता ही नहीं है कि उनकी लॉन्ग मार्च असल में उसकी शक्ल होगी क्या, क्या वो इस्लामाबाद में दाखिल होना चाहते हैं या पंजाब में कहीं इकट्ठे होना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। लेकिन एक नफसियाती प्रेशर है, और जो गिरफ्तारियां कल की गई हैं तीनों, उनका भी उसी से ताल्लुक है। बाकी दोनों को एक फॉरन फंडिंग केस के हवाले से, एक इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर वेबसाइट की फंड रेजिंग के हवाले से, या जो वुटन क्रिकेट क्लब के पैसे आए थे 2012-13 में, उसके हवाले से गिरफ्तार किया गया। पर्सनली मैंने चूंकि फॉरन फंडिंग केस को बहुत पढ़ा है, मैं समझता हूँ बिल्कुल नॉन सेंसिकल है ये, ना इसका सर है ना पैर है, इसमें कोई प्रोसिक्यूशन जान नहीं है। कोई और मुल्क होता हाफ डिसेंट तो ये केस कभी रजिस्टर नहीं होना था। लेकिन ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि लॉन्ग मार्च के बाकायदा दबाव रखा हुआ है, नफसियाती दबाव है, पॉलिटिकल दबाव है, तकरीरें भी करते हैं जाकर, और अपनी पार्टी को इंटैक्ट भी इमरान खान ने रखा हुआ है। लेकिन जब आप डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब कहते हैं कि उसकी पता नहीं क्या शक्ल होगी, वो किस सूरत में होगा, तो क्या पीटीआई में भी क्लैरिटी आपको नजर नहीं आ रही अभी तक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पीटीआई के लोगों से पूछा, उनको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है कि लॉन्ग मार्च से इमरान खान का मतलब देखिए है क्या। देखिए असल में जो लॉन्ग मार्च की शुरुआत थी 1930 की दिहाई में, ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो थे, माओवादियों की फोर्स थी, रेड आर्मी, ये उसका टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक विड्रॉल था। जब नेशनलिस्ट ने उनको सराउंड कर लिया, और नेशनलिस्ट के पास एयरफोर्स थी और उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे साउथ में और ईस्ट ऑफ चाइना में, तो उन्होंने एक विड्रॉल किया अपने आप को बचाने के लिए पहाड़ों की तरफ, और उस विड्रॉल में कम्युनिस्ट आर्मी बहुत हद तक मारी गई थी। लेकिन उसको सक्सेस इसलिए समझा जाता है कि उन्होंने अपना जो फाइटिंग कोर था, या अपना बेसिक जो एक फाइटिंग एलिमेंट था, एक कोर थी, अपनी आइडेंटिटी थी, उसको उन्होंने बचा लिया। पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च का मतलब है कि आप मार्च करके कहीं फतह करने के लिए जाएंगे, तो इसीलिए लोगों के जहनों में है कि लॉन्ग मार्च का मतलब है कि इमरान खान एक फौज के तौर पर कई लाख लोगों को लेकर इस्लामाबाद पे हमला आवर होंगे। ये पता नहीं है, देखिए अगर वो इस्लामाबाद के करीब बहुत बड़ा क्राउड ले आते हैं, उसको इकट्ठा कर देते हैं मरी की तरफ से, पेशावर इसके खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, या इस्लामाबाद के दाखिलों की तरफ, तो भी वो बहुत बड़ा तैसर खड़ा कर सकते हैं। वो अगर रवाद के ऊपर 2-3 लाख लोग लेके खड़े हो जाते हैं तो भी खैर उसकी बड़ी वैल्यू। उनका मकसद तो ये है कि मैं लोगों को ये दिखाऊं, पाकिस्तान के लोगों को, दुनिया को, मीडिया को, कि मैं एक पॉपुलर हूँ, पब्लिक मोबिलाइजेशन मैसेज में कर सकता हूँ, और उसका एक मॉरल इफेक्ट मुझे चाहिए। बिकॉज उनको सिस्टम डिस्टर्ब करना तो वारा नहीं खाता, बिकॉज उनको तो प्राइम मिनिस्टर बनना है। जब उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उनको तो सिस्टम इंटैक्ट चाहिए। इसका मतलब है कि उनको एस्टैब्लिशमेंट की हमदर्दी भी चाहिए, उनको लोग भी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी भी चाहिए। उनका मुकाबला सिर्फ शरीफ मिनिस्ट्री के साथ है। ये आपने दुरुस्त कहा चाइनीज एग्जाम्पल दे के, क्योंकि मुझे याद है जो हिस्ट्री में मैंने पढ़ा है, चांग काई शेक था, वो चीन का लीडर था, हुक्मरान था, फिर वो भाग के ताइवान में चला गया और वहां उसने नेशनलिस्ट चाइना बना लिया। ये ताइवान का मसला उसी वक्त से बना हुआ है। बहरहाल ये जो क्लैरिटी ना होने की बात आपने की है, क्या इसी वजह से मियांवाली में कमर मशानी में खड़े होके इमरान खान ने जब कहा कि मैं जेल भरो तहरीक चलाऊंगा, तो लॉन्ग मार्च की बजाय ये जेल भरो तहरीक, ये भी कोई सीरियस ऑप्शन है, या जैसे आप फरमा रहे हैं कि कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई बंदा वादे नहीं है कि हमने करना क्या है? लेकिन लोगों को तो ब्रीफ नहीं किया गया, उसकी वजह से ये हो सकती है कि खान साहब को इसका खतरा महसूस होता है कि उनके गिर्द जितने भी लोग हैं वो लीक करते हैं चीजें, वो किसी न किसी लेवल पे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। जो भी उनकी मीटिंग होती है उसके आधे घंटे के अंदर उनके मुखालफीन को सब पता चल जाता है, इसलिए उन्होंने इसके कार्ड्स की मेरी लॉन्ग मार्च क्या होगी, ये जेल भरो की तहरीक का नाम तो उन्होंने अचानक दे दिया है, ये क्या होगी,
ये उन्होंने अपने अपने छाती तक रखे हुए हैं ये राज, इसके कार्ड्स, लेकिन ये किसी स्टेज पे वो डिस्क्लोज करेंगे, मुझे समझ आती है कि वो एक नफसियाती गेम खेल रहे हैं इस्लामाबाद की हुकूमत के साथ। पीएमएलएम की हुकूमत इस वक्त सिर्फ इस्लामाबाद में ही है, वो पंजाब में बहुत बुरी तरह से हार चुके हुए हैं, उनको खुद भी एहसास है कि इस वक्त इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो एक स्ट्रक्चरल गवर्नमेंट है जो कहने में फैली गवर्नमेंट है, और वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की गुडविल के ऊपर। और इमरान खान साहब अपनी पॉपुलैरिटी से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आपने जिन पे बेट किया हुआ है वो एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है, और मैं एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल एंटिटी हूं, और आपको अल्टीमेटली मुझसे नेगोशिएट करके मेरे से डील करने की जरूरत है, ये अब स्पेंड कैटरेज है। तो मैं ये समझूं कि कम अज कम इमरान खान खुद क्लियर हैं, चाहे वो लॉन्ग मार्च की जो शक्ल सूरत हो या जेल भरो तहरीक हो, वो खुद क्लियर हैं, उनके जेन में प्लान है, उनके दिल में ये बात है, उनके उन्होंने अपने जेन में कैलकुलेट किया हुआ है, सिर्फ अपने दूसरे साथियों को नहीं बता रहे। देखिए किसी भी बड़े सियासतदान को उसके अपने जो गोल्स और अहदाफ होते हैं एक बड़े डिसीजन मेकर के, खास करके पॉलिटिशियन के, वो उसको अपने माइंड में क्लियर होते हैं बहुत हद तक, लेकिन पब्लिक के साथ उसकी कम्युनिकेशन वो नहीं कर सकता, बिकॉज उसके जो फॉलोअर्स होते हैं वो हर जहनी सतह के ऊपर जिस तरह से डिफरेंट इकोनॉमिक लेवल से एग्जिस्ट करते हैं, इसी तरह डिफरेंट मेंटल लेवल से भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इमरान खान के फॉलोअर्स में, जैसे किसी भी बड़े पॉलिटिशियन के फॉलोअर्स होते हैं, उसमें इंतहाई पढ़े लिखे लोग भी हैं और इंतहाई अनपढ़ और नाख्वानदा लोग भी हैं, उसमें हाउसवाइफ्स भी हैं और इंतहाई पढ़ी लिखी कॉरपोरेट बैंकर और डॉक्टर ख्वातीन भी हैं, तो उनको उन सबको साथ लेकर चलना है। इसलिए वो एक ऐसा जनरलाइज पॉलिटिकल रेकर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसमें सबको उन्होंने एक होप देकर रखी हुई है कि मैं कुछ करने वाला हूं, लेकिन वो रिसल्ट देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट क्या करना चाहती है, वाशिंगटन में क्या फैसले हुए होंगे, आज काबुल अकेडमी से क्या मैसेज निकला है, सेकेंडरी लीडरशिप वहां पर क्या सोच रही है, पीपीपी के अंदर क्या हो, तो वो इन सब चीजों को मुसलसल देख रहे हैं और उसके हिसाब से ही वो फैसले करेंगे। यहाँ रुकिएगा डॉक्टर साहब, मैं ब्रेक लेता हूँ, नाजरीन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब से मेरा सवाल होगा कि अगर राणा सनाउल्ला को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब एंटी करप्शन की टीम यहां पहुंची है तो फिर इस्लामाबाद की हुकूमत जिसे वो कह रहे हैं उनका काउंटर क्या होगा, क्या पंजाब हुकूमत के खिलाफ कोई एक्शन लेना या लेने के बारे में सोचा जाएगा। सबसे बड़ी बात होती है कि जी सूबों में गवर्नर राज लगा दें, गवर्नर राज लगाना इतना आसान नहीं है 18वीं तरमीम के बाद। बहरहाल फेडरल गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शंस हैं ये मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा एक ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं, डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब एंकर पर्सन, तजियाकार, राइटर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब तबले जंग तो बड़े अरसे से बजा हुआ है, लेकिन इस हद तक के पंजाब एंटी करप्शन की टीम इस्लामाबाद में आकर, और इस्लामाबाद का जो इंचार्ज होता है वो वजीर दाखिला ही होता है, जो वफाकी वजीर दाखिला है, उनको गिरफ्तार करने पहुंच जाए तो फिर रिटेलिएशन तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस मोड में किस फॉर्म में हो सकती है? देखिए एक तो पहली जहन में आपको बात ऐसी थी कि राणा सनाउल्ला जो है वो बेसिकली तौर पर बहुत ही कूल और डेडिकेटेड कैरेक्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ या मोहतरमा मरियम नवाज की तरह गुस्से में आते नहीं है, लोगों को गुस्सा दिलाते हैं अपनी अपनी स्टेटमेंट से, अपनी बातों से, लेकिन दर हकीकत ही इज अ कूल मैन, वो ठंडे दिलो दवा के आदमी है, वो कोई रिएक्टिव पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ उनकी मूछें हैं, वो बातें इस तरह की करते हैं प्रोवोकेटिव कि लोग ये समझते हैं और उनके ऊपर इल्जाम भी बड़े लगाए जाते हैं, लेकिन आई नो हिम ओवर द ईयर्स और मेरे ख्याल है बड़े ठंडे दिलो दमाग के आदमी है, वो कोई एडवेंचरस तो है नहीं बिल्कुल भी, मुझे किसी गलत उनके बारे में एहसास हो रहे हैं। अब जहां तक बात है कि पंजाब हुकूमत गिराने की ख्वाहिश तो बहुत है, लंदन में भी उस हवाले से बहुत बातें हुई हैं, नवाज शरीफ साहब की भी हुई है, ख्वाहिश भी है, कोशिशें भी की गई हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर पंजाब हुकूमत गिराई जा नहीं सकती। ये फैसला कि पंजाब हुकूमत गिरानी है, उसकी रिप्लेसमेंट क्या होगी, परवेज अलाही साहब का क्या होगा, कौन किसको लाना होगा, ये तो इस्टेब्लिशमेंट को करना पड़ेगा, यानी नवाज शरीफ साहब और परवेज अलाही साहब लंदन क्या करने गए? देखें जब वो जा रहे थे तो मुझे किसी ने कहा था कि 3 दिन के लिए जा रहे हैं, लेकिन वापस पता नहीं कितने दिन के बाद आएंगे, और मीटिंग्स करने के लिए गए हैं, ऑन द फेस ऑफ इट तो ये था कि वो उनकी सेहत ठीक नहीं है, वो अपना कोई टेस्ट करवाने के लिए वहां पे गए हैं, और फिर साथ ये भी था कि शायद वो फ्लड के हवाले से कोई फंड रेजिंग भी वहां पे करेंगे, लेकिन कहने वालों ने कहा कि ना उन्होंने कभी फंड रेजिंग की है बरतानिया जाके, ना उनको इसका शौक है, ना ही वो इस किस्म के नाजुक हैं कि इलाज करवाने के लिए पहले बार बार बरतानिया जाए, तो वो बरतानिया गए हैं मुलाकातें करने के लिए, और किससे मुलाकातें करनी?
देखिए अब मुलाकात में तो ये कि क्या उनकी दिल डायरेक्टली नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात होगी या उनके लोगों के साथ मुलाकात होगी, ये क्लियर नहीं है, लेकिन वो गए कोई फैसले कर नहीं है। नहीं, लेकिन ये अजीब इत्तफाक नहीं है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी लंदन पहुंची और चौधरी परवेज इलाही साहब भी लंदन पहुंचे? जी अच्छा इत्तफाक है, ये अच्छा हुस्न इत्तफाक है, लेकिन हमें हकायक पता नहीं है इसके, तो हम स्पेकुलेट ही कर रहे हैं कि जाहिर है कि जीवन इफेक्ट के वो इतने बीमार है नहीं और बीमारी के लिए पहले कभी लंदन गए नहीं अपने टेस्ट करवाने के लिए, और लंदन में एक नॉन ट्रांसपेरेंसी मिलती है पाकिस्तान के सियासतदानों को, शफाफियत नहीं है वहां, क्या होता है पता नहीं चलता मीडिया को, तो लंदन और दुबई जो है वो मीटिंग्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो मीटिंग वो करेंगे और वो देखेंगे, जाहिर है वो हमेशा प्रो एस्टैब्लिशमेंट रहे हैं और वो देख रहे होंगे कि एस्टैब्लिशमेंट क्या चाहती है, और बेसिकली जो एस्टैब्लिशमेंट चाहती है, हम बात कर रहे थे राणा सनाउल्ला साहब के हवाले से, वो चूंकि बात और निकल आई, लेकिन जो रिटेलिएशन की मैं बात कर रहा था, पहले तो राणा सनाउल्ला पर हीरोइन डाली गई, फेक केस था वो खत्म हो गया, राणा साहब इलेक्शन जीते, मीन वो क्वालिफाई कर गए एज अ कैंडिडेट, अब वो वजीर दाखिला हैं, क्या उनको यहां भेजना ये टिट फॉर टैट था उनकी गिरफ्तारी के लिए एंटी करप्शन को भेजना, क्योंकि वजीर आजम कह रहे थे कि हम कोई ना कोई एक्शन लेंगे क्योंकि इमरान खान ने मुल्की मफादात पर सियासत करने की कोशिश की? ये ठीक से पता नहीं है, जो कुछ पाकिस्तान में इतना थोड़ा साजिश का माहौल है कि जो कुछ कहा जाता है किया जाता है उसके हो सकता है मकासद कुछ और हों, तो पंजाब एंटी करप्शन ने क्या वफाकी हुकूमत को एक प्रीटेक्स प्रोवाइड करने के लिए किया है या वो जेन्युइनली तौर पर उन्होंने मसल फ्लैक्स किया है? कल की गिरफ्तारियों के नतीजे में उन्होंने अपनी एक मसल फ्लैक्सिंग की है, क्योंकि उनके ऊपर भी ये दबाव होगा, लोग समझते हैं कि पंजाब में उनकी हुकूमत है तो उनको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मसल को फ्लैक्स करना चाहिए, तो जवाबन वफाकी हुकूमत क्या करेगी, लेकिन वफाकी हुकूमत पंजाब हुकूमत को गिरा नहीं सकती जब तक कि उसको एस्टैब्लिशमेंट की अताई जो मदद हासिल ना हो, बिल्कुल खाली गिराना तो नहीं है ना, उसके बाद आपने एक ढांचा बनाना नहीं और फिर उसको कितनी देर तक चलाना है, और पंजाब हुकूमत गिराने से क्या एक मुमकिन इलेक्शन की सूरत में मदद भी मिलेगी पीएमएलएन को, ये भी क्लियर नहीं, ये भी क्लियर नहीं है। वजीर आजम साहब आज पूछ रहे थे लाहौर में जाकर अदालत के बाहर आकर कि इमरान खान बताएं पांच बंदे खरीदने के पैसे कहां से आए थे? देखिए वो तो अगर आपने ऑडियो सुनी हो वो जरूर मुख्तलिफ जुमले इमरान खान साहब की आवाज ही नहीं है जनरल, लेकिन वो सारी साफ नजर आता है कि वो स्विच हुए हैं, मुख्तलिफ जगहों पे बोले हुए मुख्तलिफ जुमले हैं वो स्विच किए हैं, उसके जवाब में खुद इमरान खान साहब ने मियांवाली में नवाज शरीफ साहब की जो कन्फेशनल स्टेटमेंट सुनाई है जिसको अपने आप को करप्ट कह रहे हैं, इमरान खान को अच्छा कह रहे हैं उससे, और फिर बहुत सी और इस किस्म की ऑडियो जो वीडियोज आई है जिससे बात साबित हो गई है कि जो नए लेटेस्ट नॉन लीनियर एडिटिंग सॉफ्टवेयर एप्स हैं, जो एडिटिंग इमर्जिंग सॉफ्टवेयर है, उसके लिए आप इस किस्म की कोई भी चीज बना सकते हैं। मेरी आप जाती तौर पे ये समझते हैं कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये मतलब अगर टेम्पर्ड भी फर्ज किया हम कहें कि टोटे जोड़े हैं, रादर कि टोटे अगर जोड़े हैं तो टोटे वो बोले गए तो जोड़े गए ना साथ? देखिए वो मैं कह रहा था कि मैं और आप अभी जो बात कर रहे हैं इसके अगर टुकड़े छोटे छोटे माइक्रो सेगमेंट्स काट लिए जाए चंद चंद सेकंड के, तो आपने इसको जोड़ के अगर आप एक मिनट की चीज बनाएंगे तो उसका जो मफहूम और मीनिंग होगा वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, मैंने सबक बदल जाएगा उसका। जी जी मैंने आम चीज के खिलाफ कोई बात नहीं की, लेकिन कोई इसको जोड़ के बनाना चाहे तो वो उसको बना सकता है कि मैंने उनके ऊपर कोई तनकीद की है, लेकिन मैं तो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने एक्सप्लेन किया, तो ये चीज मुमकिन है, ये एक्सप्लॉयटेशन पाकिस्तान में हो रही है और एक बहुत ही अनरियल किस्म की पॉलिटिक्स यहाँ पे खेली जा रही है जिससे हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन ये भी सवाल पैदा होता है फंडिंग के हवाले से, पहले तहकीकात होती रही 8-9 साल, बंदे अब इमरान खान ने खरीदे तो नहीं थे? अगर बंदे खरीद लेते, फर्ज किया मान लें कि ऑडियो दुरुस्त है, बंदे अगर खरीद लेते तो हुकूमत ना जाती, 9 अप्रैल वाला जो नो कॉन्फिडेंस था वो नहीं होता, जब बंदे खरीदे ही नहीं गए तो फिर सवालात कैसे बंदे खरीदने पर पैसे के हवाले से? आप सही कह रहे हैं, मैं उस तरफ आना चाह रहा था लेकिन चूंकि डिफरेंट एक्सप्लेनेशन आप मुझसे मांग रहे थे। देखिए अगर मेरी कोई ऑडियो ऐसी पैदा कर देता है कि मैं किसी को कत्ल करने वाला हूं या कह रहा हूं कि मैंने कत्ल कर दिया है, अगर वो शख्स कत्ल हुआ ही नहीं है या कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऐसी है ही नहीं कि मैं किसी को कत्ल करने के लिए गया था या उस जगह मौजूद था या मैंने कोई हथियार खरीदा या मेरी उससे दुश्मनी थी, तो महज एक एग्जिस्टेंस किसी डॉक्यूमेंट की या ऑडियो या वीडियो स्टेटमेंट की तो हरगिज ये नहीं साबित कर देती कि मैं मुजरिम हूं।
तो ये एक फजूल किस्म की एफर्ट्स है पाकिस्तान में, ये जो ऑडियो वीडियो लीक्स मुसलसल की जा रही हैं, लोगों की बना ली जाती हैं। असल जुर्म तो ये है कि जो ऑडियो लीक करते हैं उसको फैब्रिकेट करते हैं, डिसमिनेट करते हैं, ये वीडियो रिकॉर्डिंग्स करते हैं। असल मुजरिम तो वो है, लेकिन चूंकि मुल्क का आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, यहाँ ये होता है कि जिसकी ऑडियो वीडियो आपने बना ली है वो अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है, और ये इन्वेस्टिगेशन कभी नहीं हुई कि ऑडियो वीडियो बनाई किसने। ये फरमाइए, एक इम्प्रेशन है कि इन ऑडियोज की वजह से इमरान खान की जो पर्सनैलिटी थी, जिसमें वो सादिक और अमीन भी बने थे, जिसमें वो फतवे, वजीर आजम कहते हैं वो फतवे दिया करते थे कि यहाँ खरीदो फरोख्त होती है, इत्तेहादियों के बारे में इमरान खान कहते रहे कि अचानक उनका जमीर जागा, यानी अचानक जमीर जागने की भी एक नेगेटिव कनोटेशन है। इन ऑडियोज की वजह से आपके नजदीक इमरान खान के फॉलोअर्स उनसे डिस्टेंस करेंगे, फॉलोइंग में कमी आएगी, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज लोग किसी को फॉलो करते हैं पॉलिटिकल लीडर को, तो अपनी जजमेंट जो है वो पहले कर चुके होते हैं। अब जैसे नवाज शरीफ साहब के बारे में प्राइमा फसाए, उनके उनके खानदान के बारे में और जरदारी साहब के बारे में बहुत ही ऑन द फेस ऑफ इट बड़ी क्रेडिबल किस्म की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, वो सोशल मीडिया की रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन जो डाई हार्ड सपोर्टर्स हैं नवाज शरीफ साहब के, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह तहरीक इंसाफ का जो फॉलोअर है, ये कोई पीएमएलएन को छोड़ के तहरीक इंसाफ का फॉलोअर नहीं बना। इसमें बहुत वो नौजवान हैं जिनकी पहले पॉलिटिकल व्यूज नहीं थे, जो आहिस्ता आहिस्ता पिछले 10-15 बरस में जिन लोगों ने पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू किया है, वो इमरान खान को फॉलो करते हैं। उन्होंने अपनी जजमेंट की है कि लोग इमरान खान जैसे कैसे भी हैं, वो इमरान खान को बाकी से बेहतर समझते हैं। आखिर इमरान खान के बहुत से अफेयर रहे हैं, 3 उन्होंने शादियां की हैं, बड़ी लड़कियों से उनके ताल्लुकात रहे हैं, और भी इस किस्म की बड़ी उनकी चीजें हैं, तो उन्होंने वो सब उनकी माफ कर दी हैं, तो वो उनको एक सम टोटल रियलिटी के तौर पे लेते हैं। जैसे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की बहुत सी वीकनेसेस है, लेकिन उनके फॉलोअर्स जो हैं वो अपनी सम टोटल जजमेंट करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि 1% भी इसका कोई फर्क पड़ेगा किसी को। तो फिर ये सारी एक्सरसाइज क्यों हो रही है? इतने पैसे खर्च होते होंगे ऑडियो बनाने पे, हैकर जो है वो रोजाना हर जुमा रादर वो नई चीज छोड़ देता है। नहीं, इसका फायदा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। उसी वजह यह कि हर पार्टी के फॉलोअर्स हैं वो अपने एक डिफाइंड एरिया के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, और एक उसके ऊपर अबव पार्टी पॉलिटिक्स एक सो कॉल्ड न्यूट्रल इंटेलिजेंसिया या न्यूट्रल पब्लिक ओपिनियन में पब्लिक सफियर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जिस्ट करता है। असल में वो न्यूट्रल होता नहीं है, जैसे हमारे अंग्रेजी के अखबार जो हैं वो अपने आप को ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, हालांकि न्यूट्रल नहीं है अगर आप उनको देखें हमारे अंग्रेजी के अखबारों को। लेकिन एक वो जो स्पेस है, वो सो कॉल्ड पब्लिक सफियर है, वो फ्लक्चुएट करता रहता है डिफरेंट पोजिशन। उस पब्लिक सफियर को ये कहने का मौका मिला है कि इमरान खान के बारे में भी बड़े सीरियस किस्म के क्वेश्चन जो है वो उठ रहे हैं, और इमरान खान शायद उतने ऑनेस्ट नहीं है या उतने फ्लॉलेस नहीं है या ब्लेमलेस नहीं है, वो भी मतलब मैकिवेलियन कैरेक्टर है, तो वो उस पब्लिक सफियर में इस किस्म की चीजें मतलब गार है लोगों के लिए, उनके पास एक ऑर्नमेंट आता है उनके हाथ में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुल्की सूरत हाल पर तजिया डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब पेश कर रहे थे। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।